आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 26वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य को भयंकर रोगों से मुक्ति मिलती है। महत्तम सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिलापति कहने लगे कि हे मुनि, वैशाख माह में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं? उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया? तब शुद्धदेव जी कहने लगे कि वैशाख माह की सब तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, जप, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती और आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए? दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा, सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस माह की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सर्वाणी मवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवरण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान एक वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो त्रेता में एक मास और द्वापर में एक पक्ष की, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में इंद्रियां और दूसरे हाथ में जिभा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है? नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रियां और जिभा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यंत्र कहीं चले जाना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर
अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्म वरण भी यह सुन नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल हाथ में ले जटा बड़ा कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्र वत हो गए हैं, वेद कहानी मात्र रह गए हैं। भूत पिशाच प्रेत आदि सब पूजा करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं, कुकर्मों में ही वह अपने प्राण त्याग रहे हैं। इति वैशाख महत्तम 26वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।